उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस को आज विश्वकर्मा श्रम सम्मान समारोह के रूप में मनाया। इस मौके पर विभिन्न जनपदों के लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा सम्मानित किया गया। इसके साथ ही लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित सम्मान समारोह में सीएम योगी ने खेल और अन्य क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले खिलाड़ियों को धनराशि के साथ सम्मानित किया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सूबे में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम मनाने की नींव पड़ी थी। एक बार योगी सरकार उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम आयोजित कर चुकी है। लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस की यह दूसरी श्रृंखला थी। हालांकि इस बार प्रदेश सरकार ने इस दिन को विश्वकर्मा सम्मान समारोह के रूप में आयोजित किया। मकसद साफ था कि जिन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में योगदान देकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया, उनकी हौसला अफजाई के लिए सीएम योगी के द्वारा सम्मानित करना था। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में उद्यमी और खेल के क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले 193 लोगों को प्रशस्ति पत्र और धनराशि देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने 800 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में राज्यपाल राम नाईक, मंत्री सत्यदेव पचौरी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ ही मुख्य सचिव डॉक्टर अनूप चंद पांडे और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश आज 69 वर्ष का हो गया है, लेकिन शासकीय स्तर पर दूसरी बार हम उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को आज यहाँ पर मना रहे हैं। यह प्रेरणा प्रदान करने वाले हमारे प्रदेश के जनप्रिय राज्यपाल। कैमरामैन शैलेंद्र शर्मा के साथ धीरेंद्र श्रीवास्तव, जनमत न्यूज़, लखनऊ।